यह है उस लड़की की तस्वीर। इसका जेल में वो हाल करना कि इसे अपनी मौत भी बेहतर लगे। निहार, अगर तुमने इस तहलीज के बाहर कदम भी रखा तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। प्लीज कोई मेरी मदद करो। मैं अब तू नहीं बचेगी। देखिए देखिए, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे नहीं पता आप मुझ पर क्यों हमला कर रही, लेकिन आपका नाम तो विमला है ना, और विमला का मतलब शुद्ध होता है। फिर क्यों आप ऐसे काम करके खुद को अशुद्ध कर रही? शुद्ध और अशुद्ध की तू चिंता मत कर, मैं तो बचपन से अशुद्ध हूँ। तू तो गई आज, तू नहीं बचेगी। श्याम जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये फोन अचानक बंद कैसे हो गया? बचाओ! ये क्या हल्ला मचा रखा है तुम दोनों ने? बचाओ, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं छोड़िए मुझे। तुम जाके इंस्पेक्टर मैडम को बुला के लाओ, वही इनको ठीक करेंगे। इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो उसे, छोड़ो। अभी इंस्पेक्टर मैडम आएंगी ना, दोनों की अक्ल ठिकाने लगाएंगी। माँ प्लीज रुक जाइए, माँ मत कीजिए, प्लीज माँ। रहने दो, जब बेटे के लिए माँ बाप से बढ़कर कोई दूसरा हो जाए ना, तो माँ बाप का मर जाना ही अच्छा है। माँ ऐसा मत कीजिए, प्लीज माँ। मॉम, ये क्या बचपना है? छोड़ दो, बचपना है। अगर ये बचपना है तो बचपना ही सही, लेकिन जब तक तुम कसम नहीं खा लेते कि आज के बाद तुम रुचिता से कभी मिलोगे नहीं, मैं अपनी इज्जत नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। यार तू क्या सोच रहा है? हाँ कर दे बेटा, हाँ कर दे। अपने माँ की जान लेगा क्या? मॉम मेरी बात सुनिए, हम एक बार बैठकर बात करते हैं। मैं रुचिता को छुड़वाने नहीं जा रहा हूँ, मुझे बस उससे कुछ सवाल करने हैं। मॉम, क्या सवाल करने हैं यार? वो रुचिता बहुत तेज है, वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर वो तुम्हें जेल से बाहर निकलवाने के लिए मजबूर करेगी, और तुम कर भी दोगे यार? नहीं निहार, रुचिता की वजह से आज पापा कोमा में है। अगर तेरी वजह से माँ को कुछ भी हो तो मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा। इसलिए माँ को वादा कर दे कि तू रुचिता के पास नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा उसे। पूनम तू मान जा, मैं बोल रही हूँ ना, ये रुचिता के पास नहीं जाएगा। मान जा तू और इसे छोड़ दे ये। माँ मैं वादा नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार ये जानना तो जरूरी है ना कि सच क्या है, जो भी हुआ है उसकी आखिर वजह क्या है। वजह जानकर तुम क्या करोगे निहार? जो उसे करना था वो कर चुकी है। लेकिन मॉम, अगर पापा आज होश में होते तो वो भी तो सच जानना चाहते ना। लेकिन पापा को होश है ही का निहार, ऑल थैंक्स टू रुचिता। भाई पार्टी में और भी तो लोग थे ना, और रुचिता ने सिर्फ कटी हुई तार को जोड़ा था। इसका मतलब चेंबर के साथ पहले से छेड़छाड़ हुई थी। लेकिन निहार भैया, अगर कोई पापा को नुकसान पहुंचाना चाहता तो कोई तार काटता है क्यों? Exactly, भाभी, हो सकता है कि वो पापा को नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहता, बल्कि ये प्लान रुचिता को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। बस, बस। तेरे लिए
तो सारी दुनिया झूठी है, तेरे माँ बाप झूठे, एक वही है सच्ची सती सावित्री तेरी रुचिता। इसलिए बार बार बाप को वही घुमा कर ले आता है, उसे सही साबित करना चाहता है तू। एक बात बता, ऐसे कौन सा जादू कर दिया है उसने जो जो तुझे तेरे माँ बाप का दुख दर्द कुछ भी दिखाई नहीं देता? नहीं, कमाल है, जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, पाल पोस कर इस लायक बनाया, वही बेटा आज 4 दिन पुरानी आई लड़की के लिए हमारा साथ छोड़ रहा है। हे भगवान, ये देखने से पहले तो मुझे मर ही जाना चाहिए। माँ, 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 प्लीज मेरी बात सुनिए। माँ छोड़िए उसे। मॉम, मॉम, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। कुचल हल्दूगी, छोड़ दो मुझे। प्लीज, माँ, प्लीज, मेरे पास कोई भी। माँ, प्लीज छोड़ दीजिए आप। प्लीज छोड़ दीजिए। प्लीज छोड़ दीजिए। प्लीज करिए। छोड़ मुझे। निहार, तेरी माँ पहले से ही परेशान है, तो क्यों इसकी परेशानी और बढ़ा रहा है? अरे अपने पापा की नहीं तो माँ की तो फिक्र कर ले, मान ले पूनम की बात। छोड़ा मुझे। चल मेरे साथ, चल। माँ ये आप क्या कर रही हैं? माँ, 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 माँ तू चाहिए पूनम। तो गई आज। चला जाओ। अपनी बीवी को सही साबित करने का बहुत शौक है ना तुझे? तो ठीक है, पहले मैं आत्मदाह करूंगी, उसके बाद जाके छुप जाना अपनी बीवी के पल्लू में मेरी बला से। मॉम नहीं। बस कीजिए मॉम, बस कीजिए। मान ली आपकी बात, नहीं मिलूंगा रुचिता से। खुश